गुरांग सर, ये वोडाफोन आइडिया को लेके ना काफ़ी मार्केट में बज़ है कि 23-24 का हो जाएगा। कुछ बज़ ये भी है कि राधा कृष्ण दमानी का नाम भी आ रहा है बीच में कि शायद उन्होंने भी कुछ बाय किया, लेकिन सभी सोर्सेज माउथ से है। सर, आपकी कैलकुलेशन, आपकी रीडिंग क्या कहती है वोडाफोन आइडिया पे? के आधार पर उछाल पे बेचने की राय है। ये मार्केट को तो बहुत चीज लगती है, और अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि ये जो बातें चलती है ना शेयर बाजार में, व्हाट्सएप पे या फिर जो भी एक्स, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी है, जो विश्वविद्यालय माना जाते हैं अनधिकृत जानकारी को लेकर के, तो ये सब चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान। और मैं चाहता हूं डिम्पी के एक तीसरी सक्षम मजबूत सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खड़ी हो जो जियो और भारतीय एयरटेल का मुकाबला कर सके, क्योंकि फिलहाल तो ड्यूपोली है। 5G को लेकर के जो निवेश करना है टेक्नोलॉजी में, उसपे उसके ऊपर कोई कारोबारी विस्तार योजनाओं को लेकर के टिप्पणियां नहीं आई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या में, लाखों की संख्या में कमी देख रहे हैं आप। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो देखिए, मैं बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करता हूं, तो लोग क्या कहते हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं तो यही कहूंगा, और बुनियादी तर्क के आधार पर वोडाफोन आइडिया पर हमारी मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय।